जय हिंद, राम राम। तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सब लोग देख रहे हो। पांच चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस युद्ध से भी सीखनी चाहिए। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है यार। तो पहली चीज़ ये है कि जब इसके ऊपर दिक्कत आई, यूक्रेन के ऊपर पूरा रूस घुस गया पूरी तरीके से, तब किसी देश ने इसका साथ नहीं दिया। उस समय कोई नहीं आया, अब आ रहे हैं धीरे धीरे, सब बोल रहे हैं, बस पहले से सब मुंह चला रहे, कोई साथ में नहीं आया। तो पहली चीज़ यही है कि जब दिक्कत आएगी, जब तुम बहुत परेशानी में होगे, कोई साथ नहीं आएगा, सिर्फ सिर्फ यही सांत्वना देंगे सब बस। दूसरी चीज़ ये देखो, जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो पहले क्या था, कार्टूनिस्ट था। ठीक है, पहले क्या था, कार्टूनिस्ट था, लोग उसको मजाक में लेते थे, और आज वो राष्ट्रपति बना बैठा है। तो अगली चीज़ यही है यार कि जब भी तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो कार्टून बन के रहो एक, मतलब लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो आखिर। बस दूसरी चीज़ यही थी कि कार्टून बन के रहो, बिल्कुल हंसते खेलते रहो, उनको समझ में भी ना आना चाहिए कि तुम किस जंग की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो भी फोड़ना चाहते हो, जिस भी इलाके में जो करना चाहते हो। तीसरी बात यहाँ पे ये सीखने वाली है कि अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में ले लो, तुम कहीं का भी उदाहरण ले लो, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, पीछे देखो दो ही शर्तों पे हट सकते हो। एक तो या तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, दूसरी चीज़ यह हो सकती है तुम बहुत ही कमजोर हो, तो बात अलग है। वरना अगर पीछे नहीं हटते हो किसी भी सिचुएशन में, अब जैसे यूक्रेन में चल रहा है, वो राष्ट्रपति पीछे नहीं हट रहा है, जबकि वो अगर एक दो दिन पहले सरेंडर कर देता तो चीज़ें अब तक शांत हो गई होती, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और ना वो हटेगा। और एक दिन तुम ये देखना, रूस युद्ध अभी चल रहा है, रूस खुद वापस चला जाएगा वहाँ से, भले नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है वो अलग बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो तुम्हें समझा रहे हैं कि ये इसका हल बातचीत से ही निकल आएगा, क्योंकि वो पीछे नहीं हटा। तो तीसरी सीख यहाँ पे यही है कि किसी भी काम में घुस जाओ पूरी तरीके से, पीछे मत हटो किसी भी कीमत पे। चौथी चीज़ यहाँ पे हम क्या समझना चाहते हैं, चौथी चीज़ यार यहाँ पे ये समझो तुम लोग कि खुद में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूक्रेन के पास सब कुछ होता, ठीक है, हर चीज़ से संपन्न होता, तो क्या उसको ज़रूरत थी किसी देश से मदद मांगने की? आज अगर रूस, परमाणु हथियार की बात हम नहीं कर रहे हैं, रूस अगर और किसी देश पे, बड़े देश पे, अमेरिका पे, इंडिया पे, इस जगह पे हमला कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है जितना करेंगे हम उसका उतना डबल मेरा नुकसान होगा। तो पहले देखो, खुद में मजबूत होना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, खुद में मजबूत हो तभी जाके दुनिया को तुम फेस कर पाओगे। तो चौथी चीज़ यहाँ पे ये हो गई। अगर हम पांचवी चीज़ की बात करें, जो पांचवी बात होती है वो होती है लीडरशिप। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसने एक बार ये कहा था अभी एक दो दिन पहले कि यूक्रेन की जो जनता है वो अब आ जाए सड़क पे, मैदान पे, क्योंकि अब सैनिक उतने नहीं है कि उनका सामना कर पाए, तो आप लोगों की भी ज़रूरत है। इस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए। अब ये लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप से आप ये सीख सकते हो कि आप किसी ऐसे टीचर के अंडर में रहो, ऐसे मेंटोर के अंडर में रहो जो कि तुम्हें कभी रुकने ना दे यार, तुम्हें मतलब हर सिचुएशन में तुम्हें पेलते रहे कि मतलब ये करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे तुम्हें रुकने या एक स्टेप पीछे लेने मत दे, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। तो ऐसे मेंटोर को चुनो, या फिर अगर तुम ऐसे टीचर या मेंटोर हो तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं या जो जिनको भी तुम गाइड कर रहे हो उनको इस तरीके से गाइड करो। तो हर चीज़, हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और ये युद्ध बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जय हिंद, जय भारत।